हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू लेशन ऑफ मोरल साइंस चैप्टर नंबर 8, द टॉकिंग पैरोट्स। द टॉकिंग पैरोट्स, गुड कंपनी बैड कंपनी। तो बच्चों, ये भी एक मोरल साइंस का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप, हियर कंपनी मीन्स आवर फ्रेंड्स विद हुम we live, talk, eat and spend time with. They influence us, so we should always choose good company. हम उस कंपनी द्वारा जाने जाते हैं जिसे हम रखते हैं। यह कंपनी के मतलब है हमारे दोस्त जिनके साथ हम रहते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं और समय बिताते हैं। हम प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। टू पैरोट्स लिव्ड ऑन ए बनियन ट्री। द फीमेल पैरोट लाइड टू एग्स इन द नेस्ट। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच्ड and two teeny chicks came out. The parent birds named them Piku and Miku. They took good care of them. Every morning the parent birds flew out to fetch food for the young birds. They returned in the evening with food for their children. एक बरगद के पेड़ पर दो तोते मतलब दो पैरोट रहते थे। फीमेल तोते मतलब फीमेल पैरोट ने अपने नेक्स्ट घोंसले पर दो एग मतलब दो अंडे दिया। कुछ समय बाद अंडे फूटे और उसमें से दो चिक्स निकले। ओके, मूल पंछियों ने उसके नाम मिकू और पिकू रखे। वो उनकी अच्छी देखभाल करती थी। हर सुबह माता पिता पंछी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर शाम को लौटते थे। ओके, तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। हंटर वॉज कीपिंग एन आई ऑन दिस बर्ड्स। वन डे ही कॉट पिकू एंड मिकू वाइल देयर पेरेंट्स वेर अवे। द यंग बर्ड्स स्ट्रगल्ड टू फ्री देमसेल्व्स। पिकू एस्केप्ड फ्रॉम द हंटर, बट मिकू वॉज कॉट इन द केज। ही वॉज टेकन होम बाय द हंटर। एक शिकारी उस पंछियों पर नज़र रख रहा था। एक दिन उसने पिकू और मिकू को पकड़ लिया जबकि उनके माता पिता बाहर थे। युवक पंछी ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। पिकू शिकारी से बच गया लेकिन मिकू पिंजरा में फंस गया। उसे शिकारी ने अपने घर ले गया। किसको? मिकू को। ओके, तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। द हंटर्स सॉन वॉज वेरी नॉटी। ही टॉट मिकू बैड एंड फाउल वर्ड्स। ओके, शिकारी के बेटा बहुत शरारती था। उन्होंने मिकू को बुरा और बेईमानी सिखाया। ओके, तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। Piku, who had escaped from the hunter, flew for some times. Then he came to a cottage where an old sage lived with his disciples. Piku stayed there. Every day, Piku listened to the talks of the sage, which he shared with his
disciples. Bhikkhu also learnt to say a few words. शिकारी से भाग के भिक्खु कुछ समय उड़ता रहा, फिर वो एक कुटिया में आया। यहाँ एक बूढ़ा ऋषि अपने शिष्य के साथ रहता था। रोज भिक्खु ऋषि के बात सुनता था जो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ साझा करते थे। भिक्खु ने कुछ शब्द कहने भी सीख लिया। बुरे संगत में अकेले रहने बेहतर है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पेज नंबर 37। ओके, वन डे ए ट्रैवलर वॉज वॉकिंग नियर द हंटर्स हट। ही वॉज टायर्ड एंड थर्टी ही हर्ड द पैरोट स्पीक ए फ्यू वर्ड्स, सो ही टोल्ड हिम, कैन यू प्लीज आस्क योर मास्टर टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। भिक्खु क्विकली रिप्लाइड, फूल, वाई हैव यू कम हियर, आई विल गॉट योर ट्रूथ। एक दिन शिकारी की कुटिए के पास एक यात्री टहला रहा था। वो थका हुआ और प्यासा था। उसने तोता को बोलते हुए सुना तो उसने उसे कहा, क्या आप कृपया अपने स्वामी से एक ग्लास पानी देने के लिए कह सकते हैं? भिक्खु ने जल्दी से जवाब दिया, मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे गला काट दूँगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। ट्रैवलर वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस वर्ड्स। ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली। ही वॉक्ड फॉर सम टाइम एंड रीच्ड द कॉटेज ऑफ द सेज। सीइंग द टायर्ड ट्रैवलर, भिक्खु कॉल्ड आउट, वेलकम सर, वेलकम टू द हाउस ऑफ द सेज। यू लुक tired, drink water from the pot and eat fruits growing in the backward. The holy man will treat you well. यात्री से शब्द सुनकर बहुत पछताया और तुरंत वहाँ से चला गया। वो कुछ देर चलने के बाद ऋषि की कुटिए मैं पहुंचा। थका हुआ यात्री को देखकर भिक्खु ने पुकारा, आपका स्वागत है सर, आपके घर में आपका स्वागत है। आप थके हुए लग रहे हो, पोत से पानी पियो और पिछवाड़े उगे हुए फल खाए। पवित्र लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन। द ट्रैवलर्स वॉज सरप्राइज्ड, ही सेड टू भिक्खु, आई मीट ए यंग पैरोट नियर द हंटर्स हॉर्न, इट स्पोक बैडली, यू स्पीक वेल, बोथ यू एंड द अदर बर्ड आर पैरोट्स, दे व्हाई दिस डिफरेंस इन योर लैंग्वेजेस। यात्री चिंतित था। उसने भिक्खु से कहा, मैं शिकारी के झोंपड़े के पास एक युवक तोता से मिला, ये बहुत बुरी तरह से बोला, आप बहुत अच्छी तरह से बोलते हो, दोनों तोते हो, फिर आपकी भाषा में ये अंतर क्यों है? तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन। Hearing this, Bhikkhu understood that the other parrot was none other than his brother Bhikkhu. Bhikkhu said, "Sir, the other parrot is my brother, but we have lived in two different places. My brother has learned the
hunter's language, I have learned the language of the holy people. It is our company that speaks our words and deeds. ये सुनकर पिकू समझ गया दुष्टा तोता और कोई नहीं उसका भाई मिकू था। पिकू ने कहा, सर दुष्टा तोता मेरा भाई था और हम अलग अलग जगहों पर रह चुके हैं। मेरा भाई ने शिकारी के भाषा सीखा है, मैं पवित्र लोगों के भाषा सीखा। यह हमारी कंपनी है जो हमारे काम और शब्द का आकार देता है। तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन, रिफ्लेक्शंस। गुड कंपनी हेल्प्स यू टू लर्न गुड थिंग्स, बैड कंपनी मेक्स यू लर्न बैड थिंग्स, ऑलवेज चूज गुड कंपनी। अच्छी कंपनी आपको अच्छी चीज़ों सिखाने में मदद करता है, बुरी कंपनी आपको बुरी चीज़ें सीखने देता है। हमेशा अच्छी कंपनी का चाहिया करना। तो बच्चों, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। तो ये हमारा जो चैप्टर था, द टॉकिंग पैरोट्स, गुड कंपनी और बैड कंपनी। तो बच्चों, आप लोग ये स्टोरी अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, ये आपका स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।